हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में जो है कि हम एक नया प्रोग्राम देखने वाले हैं और ये प्रोग्राम जो है कि हमें लगभग एक से लेकर जो कि 10 तक के जितने भी नंबर इसके बीच में आते हैं उन सब का जो कि सम करके हमें दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, वाइड में से मैं प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देन यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं इंट जो है कि आई लूप चलाने के लिए देन जे एक और लूप वेरिएबल ले लेता हूँ, देन स्टोर करने के लिए जे ले लिया। ठीक है, देन फार से यहाँ पर मैं लूप चला देता हूँ कि आई को मैं आई से 1 से 10 तक मैं जो है कि सम निकालने वाला हूँ सभी का, कि 10 तक जितना हो सबको ऐड करके ये दिखाया। 10 तक मैं चला देता हूँ, देन आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं करता हूँ ये कि जो मैंने जे लिया जे को मैं यहाँ पर जे प्लस 1 कर देता हूँ और जे प्लस आई कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जे की इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने वाला। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया था जे को। ठीक है, देन सिंपली मैं जो है कि यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट जो है कि जे को कर देता हूँ। देन सिंक्लांस क्लोज करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है, चलिए हम लोग रन करवाते हैं इस प्रोग्राम को। रन करवाने से पहले मैं समझा दूँ इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर जो आई का लूप चल रहा है 10 तक वो चलने वाला है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जो जे की वैल्यू वो 0 है, 0 और आई की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 होगी, तो इक्वल टू पहली बार 1 प्रिंट होगा। ठीक है, देन ऐसे ही फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट किया 1। ठीक है, देन अगर बात की जाए तो जे की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1, देन 2 इक्वल टू यहाँ पर 3। अगर आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ पर पहले प्रिंट होगा 1, देन दोबारा प्रिंट होगा देन 3, देन ऐसे ही एडिशन यहाँ पर। फिर अगर तीसरी बार हम लोग देखते जाएँ तो यहाँ पर आई की वैल्यू, अब जे की वैल्यू जो है हमें 3 मिल गई है एंड अब जो है कि आई की वैल्यू 2 थी, 2 से प्लस 3 हो गई, यहाँ पर हमें 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर 10 तक जितना भी होगा वो प्रिंट करके टोटल हमें लास्ट में बता देगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको रन करवाता हूँ इस प्रोग्राम को, देन इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए टोटल इनका 55 आता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक अगर आप ऐड करेंगे टोटल 55 आता है। तो कैसे आता है, पहले जैसे यहाँ पर 6 तक मैंने बता दिया, फिर ऐसे ही 10 आएगा, 15 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, टोटल जो होगा वो आएगा। अगर आप 100 तक करना चाहें, चलिए थोड़ा सा 100 तक कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव करता हूँ, दिन में फिर से रन करा दूँ। टोटल 100 तक ऐड करेंगे तो आपका कुछ इतना आंसर आने वाला है 50-50। ठीक है, 50-50 इसका आंसर आने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।